जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा, मैं बात करने जा रहा हूं कि जी बॉलीवुड चैनल क्या डीडी फिडिस पर वाकई में सही न्यूज है या फेक न्यूज है। ये कंफर्मेशन आपको ये वीडियो देखने के बाद ही हो पाएगी। सिर्फ थंबनेल देखकर ये अंदाजा मत लगा लेना कि मैं कोई फेक न्यूज यहां पर आप लोगों को देने जा रहा हूं। जी हाँ, थंबनेल पर ऐसा क्यों लगाते हैं भाई हम लोग, ताकि आप लोग वीडियो को देखें, वीडियो को अंदर डिटेल से जाने कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं भाई, आखिर इस वीडियो में कहा क्या जा रहा है, ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। थंबनेल पर ही अगर मैंने सब कुछ लिख दिया तो शायद आप लोगों का वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है भाई, ठीक है। तो यहां पर इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जी बॉलीवुड डीडी फिडिस पर आने जा रहा है, ऐसा मैंने कुछ थंबनेल पर लगाया है। तो भाई जी बॉलीवुड कैसे आने जा रहा है ये भी क्लियर मैं आप लोगों को कर देता हूं कि कैसे वो आने जा रहा है। आप लोगों को पता है गदर 2 मूवी जो कि 11 अगस्त को रिलीज हुई थी, बिगेस्ट मूवी बनी हुई है भाई, और अब तक जो है उसका क्रेज मुझे लगता है लोगों के दिमाग से नहीं गया है भाई। जिन लोगों ने थिएटर्स में देखी है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने भी इसको थिएटर्स में ही देख लिया था भाई, मजा आया था फुल टू उसको देखने में। और उसके बाद 6 अक्टूबर को, जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, Zee5 पर इसको रिलीज़ किया गया क्योंकि ये Zee नेटवर्क की मूवी है। उसके बाद 4 नवंबर को ये Zee सिनेमा पर आ चुकी है भाई, टीवी पर पहली बार इसका प्रसारण किया जा चुका है। लेकिन इसके एक हफ्ते के बाद ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, और बहुत से व्यूअर को पता भी होगा कि ये डीडी फ्रिज के Zee अनमोल सिनेमा चैनल पर आने जा रही है, इवन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर ही। जी हाँ, जो कि बहुत अच्छी बात है डीडी फिडिस व्यूअर्स के लिए कि जी सिनेमा की ऐसा कर रहा, जी अनमोल सिनेमा जो है अब ऐसा करते जा रहा है, मतलब बहुत चेंजिंग कर दी है भाई जी अनमोल सिनेमा ने। अब काफ़ी लेटेस्ट मूवी दिखाना शुरू कर दिया है, पहले ऐसा नहीं था जी अनमोल सिनेमा। और अब बात आती है जी बॉलीवुड की, क्योंकि देखिए जो ये मूवी है, जो गदर 2 मूवी आने जा रही है 11 नवंबर को, सैटरडे का दिन है, रात को 8 बजे, जी अनमोल सिनेमा पर तो आने जा ही रही है। लेकिन जी अनमोल सिनेमा के साथ साथ ये मूवी आप लोगों को जी बॉलीवुड पर भी देखने को मिलेगी, जो कि जी नेटवर्क का एक बॉलीवुड फिल्मों का चैनल है, जो कि एक पेड चैनल है, वो फ्री चैनल नहीं है। तो अगर आप लोग डीडी फ्रिज व्यूवर हैं तो आप लोग जी अनमोल सिनेमा पर ही देखेंगे, लेकिन अगर आप लोगों के पास पेड डीटीएच है, टाटा प्ले, एयरटेल, सन डायरेक्ट या डीटीएच जो भी है, तो आप लोगों की चॉइस रहेगी भाई, या तो जी बॉलीवुड पर देखिए या फिर जी अनमोल सिनेमा पर देखिए। तो मतलब जी बॉलीवुड किस तरह से आने जा रहा है, तो सेम टाइम 11 नवंबर पर रात को 8 बजे वही सेम मूवी जी अनमोल सिनेमा पर देखने को मिलेगी, सेम टाइमिंग पर। मतलब जो आप जी बॉलीवुड पर देख रहे हैं वही जी अनमोल सिनेमा पर देख रहे होंगे, तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जी बॉलीवुड भी हम जो है डीडी फ्रिज के जी अनमोल सिनेमा के जरिए देख रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है भाई। सो कुछ ऐसे ही कारनामे जी अनमोल सिनेमा करता रहेगा आगे। मुझे एक अपडेट एक और मिली थी भाई, भोला मूवी जो है अजय देवगन की, जो कि लेटेस्ट मूवी जिसका जी सिनेमा पर प्रीमियर हुआ है, वो मूवी भी बहुत जल्द जी अनमोल सिनेमा पर आने जा रही है। सो वेट एंड वॉच, जी अनमोल सिनेमा देखते रहिए भाई, बहुत अच्छा चैनल बनते जा रहा है। धन्यवाद।